नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRS। हरियाणा के सिरसा विधानसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने कहा, एग्जिट पोल ही होता है और उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। हरियाणा राहुल गांधी के नेतृत्व में पुनः वापसी कर रहा है और उन्होंने भारत को जोड़ने संविधान। हरियाणा के लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है और हमने जो बात कही थी, हाथ बदलेगा हालात, सार्थक होती दिख रही है। पेश है एक रिपोर्ट। देखिए, एग्जिट पोल ही है और उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती हो, लेकिन उससे ज्यादा इस बार हरियाणा के लोग देंगे ऐसा हम सब लोगों को यकीन है और सभी में स्पष्ट बहुमत तो मिल ही रहा है। पोल ऑफ जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी 55-60 के बीच में सीटें आ रही हैं। हरियाणा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि पुनः वापसी कर रहा है और जो उनका संकल्प है भारत को जोड़ने का, हरियाणा के लोगों को जोड़ने का। और जो बात हम लोगों ने कही थी कि हाथ बदलेगा हालात, वो सार्थक होती दिख रही है और कहीं ना कहीं वही हालात बदलने के लिए पार्टी ने घोषणाएं करी थी कि भाई हम आएंगे तो 2000 रुपये हर माह गृहिणी को देंगे, जो 6000 रुपये है वो बुढ़ापा पेंशन, MSP की गारंटी देंगे कानूनी रूप से। तो बहुत से वायदे हैं जिनको पूरा करने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया। जिस दिन आदरणीय हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने घोषणा पत्र जारी किया था, उस दिन भी कहा था कि एक एक लाइन इसकी पड़ी है, लोगों के बीच में हम लेकर के गए हैं। मैं सबका धन्यवादी हूँ, हरियाणा के सभी मतदाताओं का। 2,80,00,000 लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप जनादेश ही आएगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने पूरी ताकत लगाई और मैं समझता हूँ कि जो